हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजवी व्लॉग नवादा। तो आज फिर से आपका भाई रजवी आपके साथ, और आज की जो वीडियो है वो ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम आपको कंडक्शन लाइन का दिखलाने जा रहे हैं। कंडक्शन जो हमारे नवादा में 4 लाइन का काम स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी तेज़ी के साथ वो काम जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वो कंडक्शन पर हम आए हुए हैं, उस साइड पर आए हुए हैं जिस जगह का आपको पूरा एक नज़ारा दिखाया जाएगा कि किस हिसाब से कितनी रफ्तार से जो है इस कंडक्शन का काम चल रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे गार्ड साहब जो हैं साथ में हैं, वो बता रहे हैं कि डे ड्यूटी अभी इनकी चल रही है, 12 घंटे की ड्यूटी है। और भाई एक खाली जगह पर, साइड पर, इस जगह पर जहां पर अभी आपको आसपास में कोई बंदा नहीं दिख रहा हो, जो अभी दिखेगा वो आगे दिखेगा, आपको हम आगे दिखलाएंगे क्या है नहीं है, है ना। तो गार्ड साहब आपका नाम क्या है? उमेश प्रसाद। उमेश प्रसाद, आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, नवादा। आप नवादा ही के रहने वाले हैं? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो खाना वगैरह हो गया है ना? अभी तो नहीं खाना हुआ। अभी नहीं हुआ है? तो खाना क्या घर से आता है या मतलब ये कंपनी देती है? नहीं, अभी घर से हम खाते हैं, कंपनी फूड बोलने से क्या फायदा। अच्छा, घर से खाते हैं, है ना। जैसे आप इस साइड पर आएंगे तो एक गार्ड आपको मिलेंगे, गार्ड से आप मिल सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे साइड पर आप जाइए और देखिए कि क्या क्या मंजर होता है। आप अपना पहले नाम बताएं। मेरा मोहम्मद जकरुल नाम है। मोहम्मद जकरुल। जकरुल, आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं। आप झारखंड से हैं, तो यहाँ आप जो है इस कंडक्शन में क्या आप कर रहे हैं, क्या आपका यहाँ काम? गटर का काम कर रहे हैं। गाटर आप तैयार कर रहे हैं? तो ये गाटर मतलब ढलाई हो चुका है, ये सामने वाले ब्रिज पे लगेगा ना? हम लोग क्या है, हम लोग का वो सेड है। अच्छा, ढलाई कंप्लीट हो चुका है, इसको गाटर कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये अपने आम लैंग्वेज में देखा जाए तो ये एक बीम टाइप का बना हुआ है, जो कि छत वगैरह में जिस हिसाब से बीम डलता है ना, उसी तरीके से ये ब्रिज का गाटर बोलते हैं। तो ये ब्रिज का गाटर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना मोटा, लंबा, चौड़ा, ज़बरदस्त वाला। और ये कहाँ सेट होएगा, क्या कहाँ लगेगा, वो भी दिखलाते हैं आपको, है ना। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें हमारी वीडियो को, और अगर हमारी वीडियो पहली दफ़ा आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। हमारे शफीक भाई, ये जगह का, इस लोकेशन का मुझे मालूम नहीं था, लेकिन भाई हमें जो है इनके फेसबुक पेज पर, हमने फेसबुक पर देखा था इस जगह का पोस्ट किए हुए थे, तो मुझे जैसे मालूम हुआ कि भाई ये नवादा का अपडेट और किस जगह, मुझे मालूम नहीं था लोकेशन, तो मैंने शफीक भाई से फ़ौरन कांटेक्ट किया। और शफीक भाई आज अपनी मोहब्बत के ज़रिए देखिए मुझे इस जगह पर ले आए और कहा कि रजी भाई आप इस जगह का व्लॉग शूट कीजिए और नवादा के तमाम पब्लिक को दिखलाइए और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको दिखाइए। तो मैं जिस जगह पर आ गया, हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं एक लंबा काफ़ी बड़ा ये गार्डर है जो इस जगह पर लगेगा, वो कहाँ सेट होगा, वो ये इस जगह पर सेट होगा। तो अभी जो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये खुरी नदी इसको कहा जाता है, और ये खुरी नदी का पहला पिलर है, और इसी तरीके से और आगे भी पिलर है, और देख सकते हैं आप इस साइड का और उस साइड का दोनों तरफ। और ये अभी जो है ये एक तैयार है, और ये इधर वाला ये न्यू तैयार हो रहा है, और एक आप उस साइड भी देख सकते हैं, वो भी अभी नया तैयार होने वाला है। जिस गाटर को हमने देखा अभी दिखाया आपको, वो गाटर यहाँ ब्रिज पर लगा रहा है, मतलब वो पिलर जो तैयार हो गया है उस साइड का, तो यही पिलर देखिए खाली पिलर है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, वो खाली पिलर है, लेकिन इस साइड पर आप हैं, इस साइड पर आप देखिए कि ये पिलर एक तैयार हो चुका, और पिलर के ऊपर जो है गाटर, काफ़ी लंबा गाटर, और पर ये ऊपर वाला हिस्सा आप देखिए, है ना, काफ़ी ज़बरदस्त मंज़र, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है। हमारे चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, लाइक कर दें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्त वगैरह भी जो है हमारे नवादा के लेटेस्ट वर्क देख सकें, किस तरीके से नवादा का काम काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखाएँगे, देखिए देख सकते हैं ये क्रेन वगैरह, जो 2 क्रेन और एक गाटर को उठा रहे हैं, और किस हिसाब से वो उठा रहे हैं, क्या वेट होता है, उठ जाने के बाद फिर हम किसी भाई से पता करेंगे, पूछेंगे, है ना। आप देखेंगे पूरा ये किस हिसाब से जो है ऊपर की तरफ, एक इधर एक क्रेन इस साइड में और एक क्रेन उस साइड में, मतलब 2 क्रेन जो है इस गाटर को पकड़ लिया है, सेलिंग वगैरह लग चुका है, और अब देखा जाएगा किस हिसाब से जो है ये ऊपर मतलब सेट किया जाएगा, सेट होता है। 3 पिलर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इधर आप देखिए 1 पिलर 2 पिलर और एक ये 3 पिलर। ओ भाई, एक बंदा ऊपर में भी है, देखिए काफ़ी ज़बरदस्त वाली मेहनत हो रही है।
आपने देखा कि ये गाटर जो है इस पिलर पर सेट कर दिया गया है, और हमारे साथ ही अंकल जी जो इस क्रेन को अभी ऑपरेटर कर रहे थे। तो अंकल जी आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? संतोष सिंह। संतोष सिंह, तो ये आपका जो क्रेन है ये क्या कितना वेट का है ये? कितना कितने टन का है ये क्रेन? 75 का। और ये जो गाटर आप अभी सेट किए हैं, एक साइड ये हमारे संतोष सिंह जो है हमारे अंकल जी, और दूसरे साइड हमारे भाई जो दूसरे क्रेन को ऑपरेट कर रहे थे। आपका क्या नाम हुआ भाई? गुरजंट सिंह जी। गुरजंट सिंह। गुरजंट सिंह, तो आप ये जो गाटर अभी लगा रहे थे ये कितने टन का था? 70 टन के आसपास का है। तो आप लोग जो ये कर रहे हैं इस साइड वाला अभी है, तो लगभग 3 पिलर कर कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी इधर का भी बाकी है और उस साइड का भी बाकी है। तो ये मतलब कब तक फाइनल हो जाएगा? 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? ज़्यादा टाइम लगेगा है ना, अभी कंप्लीट है, पिलर भी कंप्लीट है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से हैं सर? अंकल जी आप पंजाब से हैं, और आप भाई आप भी पंजाब से हो। तो यहाँ पर भाई एक पूरी पंजाब की, एक देखा जाए तो पूरी एक पंजाब की फौज है, पूरी एक टीम है पंजाब की। सोहन शर्मा। सोहन शर्मा, तो हमारे भाई सोहन शर्मा जो हैं इस साइड के फोरमैन आप हुए हैं या रिगर क्या है? फोरमैन है। तो सर ये जो आप काम जो करवा रहे हैं, आपके पास में जो भी काम हो रहा है, तो इसका सेफ्टी वगैरह का टोटल आप ही के ऊपर में है? नहीं, सेफ्टी वाले अलग हैं, सेफ्टी वाले अलग है। तो इसमें आपका क्या काम है? हमारा लॉन्चिंग करवाना है। अच्छा, लॉन्चिंग का आपका टोटल का काम है, कहाँ क्या लॉन्च होना है, नहीं होना है ना, इसका ये जो गाटर आप सेट करवा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो भाई आप लोगों ने देखा कि अभी जैसे हम यहाँ पर आए तो ये गाटर जो है डाला जा रहा था, और ये गाटर जो है अब तक डल चुका है। एक गाटर इसलिए कि भाई गाटर डालते हुए जो है ना अभी तक किसी का वीडियो नहीं आया होगा, लेकिन आप ये गाटर डालने वाला ये जो काम है ये मेरी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और जो है ज़बरदस्त तरीके से लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं भाई। आज से 4 महीना पहले देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अभी के टाइम में देखा जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है 4 महीने में, और आने वाले 4 महीने फिर नवादा कैसा होगा ये भी अपने को पता नहीं। गाइस अभी जो है हम ये अपना पुराना वाला जो ब्रिज है आप देख सकते हैं मेरे ऊपर में, अभी जस्ट हम इसके नीचे हम खड़े हैं, और हमारे साइड में जो पीछे आप देख सकते हैं अभी जो गाटर वगैरह सेट किया जा रहा था, अभी दूसरे साइड में जो है ये अभी पिलर वगैरह सिर्फ तैयार हुआ है, और अभी एक साइड आप देख सकते हैं अभी सिर्फ जो है खड़ा किया जा रहा है, सरिया वगैरह सेट किया जा रहा है, उसमें उस बाद फिर उस पर ढलाई होगा, और ढलाई होने के बाद फिर काम किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ का काम आप देखकर बता सकते हैं, आपको ही पता चल सकता है कि कितने जल्दी जो है यहाँ पर आने वाले टाइम में प्रोसेस दिखेगा। और वो जैसा कि मालूम चला कि नवादा जो है ये कम्प्लीट लगभग फरवरी या मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, हमारे शफीक भाई बता रहे थे। नवादा कब तक कंप्लीट हो जाएगा भाई? मार्च 2022 तक है। मार्च 2022 तक कंप्लीट करने का मतलब टारगेट लिया हो गया है। जी हाँ। चलिए, मार्च तक जो हमारे साथ जो शफीक भाई इस साइड पर हमें लेकर आए हैं ये बता भी रहे हैं कि मार्च तक जो है हो सकता है ये साइड जो है कंप्लीट कर दिया। हमारे साथ एक और भाई हैं, पहले हम इनका नाम पूछना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। आपका नाम विवेक कुमार हुआ, तो आप यहाँ पर मतलब आप भी देखने के लिए आए हैं? जी, हम तो देखने के लिए आए हैं यहाँ काम कैसा चल रहा। नहीं आ रहा हमारा ये जियो का फाइबर होता है जो रोड साइड NH के साइड में रहता है। अच्छा, उसका हमको देखना काम होता है, वही हमारा ये साइड से फाइबर गया हुआ है। अच्छा, उसको हम देखते हैं। देखने के लिए आए हुए हैं कि मतलब आपका काम में नुकसान तो नहीं हो रहा ना? अभी तक कोई नुकसान वगैरह नहीं ना? नुकसान होता है सर, जैसे रोड के साइड में जहाँ नाला कटिंग होता है। अच्छा अच्छा, कहीं पुल का होता है तो वहाँ फाइबर हमारा जो बीच में फंसता है वो कटिंग वटिंग हो जाता है। अच्छा, पॉपलेन से। अच्छा, चलिए एक दफ़ा हाय कर दीजिएगा। ठीक, हाय। चलिए, तो गाइज आपने तो नीचे से हमने ब्रिज के नीचे का पूरा हिस्सा आपको दिखाया, और अब जो है ऊपर वाला हिस्सा दिखाएंगे कि ऊपर से क्या सीन दिखता है, क्या मंजर होता है ऊपर वाला, है ना? ये कुछ दिन में जो है ना 4 लाइन में तब्दील होने वाला है, कुछ दिन के बाद ये 4 लाइन बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक, वहां से यहाँ 1-2-3-4 पिलर जो है कंप्लीटली अभी फाइनल हो चुका है, और आप देख सकते हैं अभी आगे का जो ये पिलर है, अभी 4 पिलर कंप्लीट हो चुका है, ये 5वां पिलर जल्द तैयार हो जाएगा। अभी हमने नीचे भी पूछा था तो बता रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये भी चार गाटर जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अभी आगे जो है उधर पानी है, तो इस वजह से अभी जो है पिलर ढलाई हुआ नहीं है सही से, तो
पिलर जब वो ढलाई होगा तो वो भी कम्प्लीटली कम्प्लीट हो जाएगा जल्दी से, है ना। तो अभी पानी कम है तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है। हमने जो आपको ये वीडियो दिखाया तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें भाई, और अपने दोस्तों से शेयर कर दें कि हमारा नवादा का NH 31 जो है हाईवे 4 लाइन में जल्द से जल्द तब्दील होने वाला है, बनने जा रहा है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ओके गाइज, आपका भाई फिर आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। ओके।